बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो तुसी? उम्मीद करने तुसी बिल्कुल खरीयत नाल होवोगे। अलहमदुलिल्लाह असी भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, और साडे अल्लाह के दुआ के सानू वेखण वाले जिथे भी रहिंदे ने हमेशा हसते मुस्कुराते रहन। ऐसे ने एक दुआ और उम्मीद के नाल असी अपनी अज्ज दी वीडियो का आगाज़ करने हैं। असी आए हैं जी बाहर सैरो तफरी वास्ते, और नाल सब तो पहला जो अहम काम से वो असी आए हाँ कब्रस्तान दे विच फातिहा खानी वास्ते। इस वेले असी मौजूद हाँ अपने कब्रस्तान के अंदर, और इतने अपने वालदैन और दूसरे दीगर जिन्हें भी मुसलमान ने सब दे वास्ते दुआ दुआए मगफरत की है। और उस तो बाद असी हुण जा रहे हैं थोड़ा सारा कब्रस्तान के अगली साइड पर, जिहड़ा ना थोड़ा सारा विजिट करन के कुछ कबरां की सूरत हाल है। तो तुम सारे मनाजर देखण दे हो कि माशाला कब्रस्तान जी है ना वो कितनी खूबसूरत है। माशाला इतने बहुत ज़्यादा हरियाली है, अमरूद का जोड़े पौधे ने वह बहुत ज़्यादा लगाए ने, और उस अलावा लेमन के जोड़े पौधे ने वह बहुत ज़्यादा इतने लगाए ने। तो तुम वेख सकते हो बहुत ही खूबसूरत वसी और रीज कब्रस्तान। मेरे नाल ने जनाब मियाँ इख्तिशाम भाई और नाल मियाँ मतीन साहब। तो आओ जनाब हुण तुहानू इधर का थोड़ा सारा जोड़ा ना विजिट करवाने। हाँ जी मियाँ साहब की हाल है? अल्लाह का करम, कैसा जा रहा है अज का मौसम? मौसम भी अच्छा है, जगह भी बहुत अच्छी है। साड़ी आखिरी अच्छी सारे अच्छी आना है, ये लोग का लाल पाली का चीज़ का ख्याल रखा है। इंशाल्लाह ताला सामने का पति फैमिली की सारी तैयारी करनी चाहिए। ऐ जी जेरे तो कब्रा नज़र आ रही है ना? हाँ जी, इसके खानदान ने उन्हें दिया है कब्रा ने, और बहुत उन्हें जनाब अच्छे तरीके के नाल इतने छोटे छोटे फुल जड़े ने फुलदार पौधे वो लगाए ने, और उस तो अलावा कब्रा की सफाई सुथराई जी है ना वह बड़ी ही लाजवाब है। बिल्कुल कच्चिया कबर जड़िया ने बनाई ने, और तख्ती उपर कबर लगे हुई ने, ताकि आने वाले वक्त कि जड़ा ना कोई जी अगली नस्ल है उन्होंने कबर की निशानी अलामत जो ना पता रहे कि इतने साढ़े फलाने जड़े ने ना मरहुमीन और मदफीन ने। परिंदियां की किसी चहचहान की जी ना आवाज़ सुन रहे हो गए? परिंदे भी इतने जो जनाब चौके दरख्त बहुत ज़्यादा ने, तो परिंदे भी जोड़े ना इधर बड़े कसरे के नाल आए हैं। तुम ऊपर वाली साइड तो देख सकते हो कब्बे जोड़े ने तो नज़र आए। जी मतीन साहब की देख रहे हो? मैं जनाब देख रहा वहाँ के लोग जिस संत हो किस संत आ कि मुदफिन ने, जो लोग ने जिन्होंने अच्छी जानने कुछ वो ने जो साढ़े तो पहले भी जा चुके हैं। जी बिल्कुल, देखने के सारे अपनी अपनी रामगा ने, अल्लाह तला इन्होंने कमरों के रहमत बरकत नाजिल फरमाए। मियाँ साहब वैसे बहुत सारे अस कबर के विजिट किए ने, बड़ी जगह पर गए हैं, तो लोग जरा ना खासकर इन चीज़ों का अहतमाम बहुत कम करते हैं, कबर की सफाई सुथराई, और इन्ना अच्छा अहतमाम बड़ा औखा हो जाता वे। बेहतरीन सिस्टम है, इतने सफाई सुथराई का प्रॉपर इंतजाम है, और नाल इतने गार्डनिंग भी है, और लोग इतने ना कोऑपरेटिव ने, मतलब मोस्टली ऐसा ही है कि कितने भी इन्ना अहतमाम नहीं है, लोग ख्याल नहीं रखते इस चीज़ का। जिन्हें लोगों ने वैसे गोरगन रखे वो तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जिन्हें गोरगन नहीं रखे तो गल होंगी शौर की, जिन्हें लोगों के शौर है वह काम करते हैं, जिन्हों में शौर नहीं वो जनाब ऐसा ही जरा ना वक्त गुजारते हैं, कित ईद शबरात से आ गए या मुहर्मा के आ गए तो सफाई कर गए। डॉक्टर साहब की कहते हैं इतने आना है, यही सारे क्यामत तक जो है ना इतने रहना है। बिल्कुल सही गल, दुनिया ना इतना जो टाइम ज्यादा गुजरना है, तो ये वास्ते सू अच्छी तैयारी करनी चाहिए। चीज़ अच्छी होगी तो कम से कम आखिरत अच्छी होगी। अज मियां इख्तिशाम साहब भी साढ़े नाल सन, पुछोगे इन्होंने अपनी जिंदगी किन्ने अपने हथे इतने दफनाए ने, क्योंकि माशाल्लाह उम्र तो पता इन्हें वापस ही हो गई है। हाँ नहीं माशाल्लाह 40 तो प्लस से है ही नहीं, शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनता पे। चलो यह मजाक बाहर जाके करने हैं जी, जी जिंदगी है ना डॉक्टर सुल्तान साहब जी, जी ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ 50,000 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ,
असी भी इतने आना सर भाजा नहीं उन्हें आने वाले वक्त वाले आने वाले लोगों ने इंतजार करना है जो क्यामत आनी है फिर असी मैशर के मैदान उठना क्यों मियां साहब जी बिल्कुल जी आओ जी हुण तुहानू जरा थोड़ी दूसरी साइड ते वी लैके चलने मियां साहब आओ उधर चलिए जरा जी आओ दूसरी साइड वाल तुहानू लैके चलने जी मतीन भाई है जरा मेला है किदो लगना जे को पता जे मेला जी कनक दी कटाई तो बाद ही लगेगा ना मेला चलो जी स्टार्ट हो जाएगा इथे अपने नाजरे नु असी मेला जदों लगेगा जनाब मेले दे भी मनाजर जेड़ा ना वहावांगे ऐ जनाब तुसी वेख सकदे हो मेरी बैक साइड ते ऐ तुहानू मज़ूम करके वहाना वा ऐ दरबार है बाबा मुल्तानी शाह ते जदों मेला लगेगा जनाब तुहानू ऐ भी जनाब दिखावांगे बाबा मोती वाली सरकार जी बाबा मोती वाली सरकार ते जदों मेला लगेगा इंशाल्लाह तुहानू जरूर दिखाऊंगा जी बिल्कुल जी असं धमाला भी पावे तो जनाब असं चढ़ावे भी चढ़ावे तो असं लंगर भी खावे तो लंगर वंडांगे भी जनाब यह बिल्डिंग जी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ यह भट्ठे शरीफ की बिल्डिंग है जनाब तो बच्चे तो ना होने बराबर जो इतने पढ़ते हैं बिल्डिंग माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है वसी और एज बिल्डिंग है तो यदा ख्याल रखना तो हूँ साड़ी जिम्मेदारी ना महकमे ने तेने ना इतने आके ख्याल रखना अपने बच्चों दाखिल करवाना अपने बच्चे की तलीमो तरबीयत का ख्याल तो असा खुद ही करना में जनाब जिस अपने असं कब्रस्तान खड़े हैं ना एक साडा तारीख के हवाले नाल भी कब्रस्तान जरा ना जानिया जाता है साढ़े इस कब्रस्तान जनरल परवेज़ मुशरफ का जरा ना आन एयर इस वेले एक इंटरव्यू वे अल्लाह पाक उन्होंने मगफरत फरमाए कि उन्हें जनाब इत्थे जिहड़ा असा इंटरव्यू सुनिया ही उन्हें पूरब का नाम लैके कहा सी कि परवेज़ मुशरफ ने इत्थे जनाब साढ़े इस कब्रस्तान उन्हें मोर्चे बनाए सन और उस तों अलावा इत्थे बहुत ज़्यादा घने दरख्त होंदे हन और साढ़े साडा जिहड़ा ना दफा बहुत मजबूत सी और पूरब तक जो टैंक सन ना दुश्मनों के वह आ गए सन और इत्थों जनाब उन्होंने अपने मुहाज़ नूं जारी रखिया और दुश्मन नूं तबाह बर्बाद करके इत्थों पजाया तो इस हवाले देना भी साडा कब्रस्तान जिहड़ा ना बड़ा तरीकी है क्यों मियां साहब ऐसा ही गल है जी बिल्कुल बिल्कुल जी 250 टैंक जिहड़ा साडे पिंड तक उन्हां दा आ गया दा सी हिंदुस्तान दा अच्छी जी जी बिल्कुल फिर साडे जवानां ने बम बन के शरफ साहब ने अपनी बीती आप बीती जो मैं प्रोग्राम साडे आए सन ते अपनी जान ते पूरब तक दुश्मन दे टैंक आ गए हैं ते इथे दरख्तां दे विच उहनां दे उहनां ने मोर्चे बनाए सन असले खाने दा डेपो ही इथे पिया दा बिल्कुल बिल्कुल ते जदों दुश्मन ने टाइम उथे गोले फायर किए ने ते अचानक डेपो दे कोल कुछ गोले डिगे ने ते जवान दौड़े ने कि कहीं धमाका ना होए जान पहचान वाले लेकिन शरफ साहब ने बहादुरी दा मजारा करदे आए उह सारे जिहड़े ने बारूद ना उथे शिफ्ट करवाया उस हवाले नाल शरफ साहब दी पहली आया सी तो मशहूरी उतों हुई थी कि जनरल साहब जड़े ने बड़े बहादुर बंदे ने बिल्कुल उन्होंने आप भी थी उन्होंने अपनी जी समा टीवी ऑन एयर चलाई है बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल सुन रहे हो जनाब तुसी जी बिल्कुल ठीक हो गया जी लो जी ऐसे नेक दुआवां दे नाल असी तुहाडे कोल इजाजत चाहते अगर तुहानू मेरी वीडियो चंगी लगे तो जनाब एक लाइक जरूर दे देना तो जो दोस्त नवे ने वो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सबसक्राइब कर ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जड़ा वो तुहानू बार वक्त मिलता रहे तो मैनू दवो हुण इजाजत अल्लाह हाफिज़।